जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड नंबर 37 जानीपुर शिवालिकपुरम। आपको याद होगा जब हमने वार्ड सीरीज कवर की थी तब भी यहाँ के हमने आपको सूरत हाल दिखाए थे कि बड़ी मुश्किलात से लोग यहाँ से निकलते हैं और अब काफ़ी वक्त बीत चुका है, अभी भी यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है और ना ही लोगों को ये पता है कि कब होगा। वैसे ही सूरत हाल है और अभी जिस तरह से अब सर्दियों का समय आ गया है और आगे जब क्योंकि कहा जा रहा था कि बरसातों के बाद ब्लैक टॉपिंग हो जाएगी, अब तो काफ़ी वक्त बीत गया है। हम जब पिछली बार यहाँ पर आए थे तब कॉर्पोरेटर से भी बात हुई, उन्होंने ये कहा था कि बरसातों के बाद सड़क पड़ जाएगी, लेकिन अब तो काफ़ी देर हो गई है। आया कोई देखने को? यहाँ पे कोई नहीं आया, कोई नहीं आता है यहाँ पे, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, उसके अलावा कभी नहीं आते हैं यहाँ पे। बस हर बार आते हैं, करेंगे करेंगे बनाएंगे यहाँ पे, तो और तो और कोई झाड़ू मारने के लिए भी नहीं आता, बस और कुछ नहीं। कूड़ा कूड़े वास्ते गड्डी आती, कूड़े वास्ते गड्डी आती है, हाँ बेटा गड्डी आती है, कूड़े वास्ते आती गड्डी, पर नालियाँ कोई साफ नहीं करता। नालियाँ देखो तुम, बीमारी का घर है, नालियाँ बिल्कुल गंद है पेदा, दिखी लो तू सब भैन कुछ होवा दा, कम से कम नालियां तो साफ करवानी चाहिए नी। कोई नहीं आंदा इत्थे, कोई नहीं पुछन आंदा। हां अगर कोई महीने 15 दिन बाद आग भी ते आदा चाह पानी दियो, चाह पानी दियो। जेड़े मल्ले मल्ले ओ कर कर आंदे ने ओ पैसे लण, ओ दिंदे हां 100 रुपया दिंदे आ, ओ दिंदे हां सब दिंदे। कूड़ा लेई जांदे ने, लेकिन आपके एक तरफ यहां पे नालियां भी नहीं है, ड्रेन्स भी नहीं, कूड़े वाली गाड़ी भी रोज़ नहीं आती है, वो भी तीसरे दिन चौथे दिन आती है, कंटिन्यू आती नहीं है वो, तो उस वजह से हमें बड़ी प्रॉब्लम। आपको अगर जानीपुर जाना हो, आपको पास ये वाली सड़क से पड़ता है, यहाँ से आते हैं, यही सड़क हमें पास है, पर आप सड़क की हालत देखिए पूरी टूटी हुई है, और हमने इनको कम से कम 10 बार ये चीज़ बोली है कि ये सड़क पूरी टूटी है, इसको ठीक करो, बस हर बार आते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं और चले जाते हैं। पिछली बार भी हम आए थे, कई लोग गिरते पड़ते हुए जा रहे थे, बहुत ज्यादा हर बार इतना एक्सीडेंट होता है, हद से ज्यादा, पर ये मानते ही नहीं है, बस हर बार आते हैं, हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, बस इनका करेंगे की चक्कर में करते ही नहीं है। 3 साल हो गए इलेक्शन को, ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, तो जीतेंगे मुझे नहीं लगता कि अगली बार जीतेंगे, इनसे भी पूछ लीजिए वजह क्या। एक आपका वार्ड बहुत बड़ा है, वार्ड बड़ा बड़ा है, ये लगता है कि बड़ा बड़ा तां करी बड़ा वार्ड है, मगर करना तो चाहिए ना, जेड़ा जीते दा उन्हें हार पाड़े, हार पाई उस वेले चलते ना, मगर हुण भी दिखण ना अपने हार उतारन ते दिखण इधर भाई किन्ना गंद पेदा इधर ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾ ਰਹਾ, ਬੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇ ਮਤੀ ਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਪੈਰ ਸਲਿਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੜਕ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲਈ ਖਲ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗਣੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਿੱਗਣੇ, ਮੇਰੇ ਆਪੂ ਡਿੱਗੇ ਨਾ, ਪਾਪਾ ਆਪੂ ਡਿੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟੀ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੱਥ ਪਲਸਟਰ ਕਰਾਈਏ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਸਕੂਟਰੀ ਸਲਿਪ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। अब आप ये देख लो कि ये जो आप सामने सड़क देख रहे हो, ये अगर इन लोगों ने जानीपुर जाना है शिवालिकपुरम के, ऊपर तो लेके खल्ले तक करना, डिगने का डर है बिल्कुल, कई बार स्लिप होया पैर, कई बार पापा आपू डिगे न, तो बड़े बारी लगती भी है, किन्ने बारी स्कूटियां दे एक्सीडेंट होंदे बड़े बारी, मगर कोई इधर दिखता नहीं है, वोटें दी है, वोट ले लो, वोट दियो, नालियां दिखो तुस आपे दिखी सकदे हो ये नालियां च किन्ना गंद है। ये सड़क की देख लो आप, तो लोकें अंदर पानी बढ़ता, ये नाला अगे बढ़ना चाहिए थोड़ा, जिसलै बरसात आंदी होने तो ये लगता होना कि पता नहीं किन्ना पानी आ गया, आंदा है कि आना के, ये तो फोटो खिंचे दे किन्ना सत चरमा बिच आई दिखे दा, मेरे लगता ताईयों रूट, ये थले नाला है कि है इधर, नाला हां नाला बड़ा पानी आंदा, नाला इहदी सफाई वगैरह इस करने असने जगह नहीं छड्डी कोई ना, बिच अंदर छत्ते दा बिल्कुल ये रखे दे ढक्कन छक्कन वगैरह। पिछली बार भी हमने आपको दिखाया था ऐसा ही ये स्ट्रेच है, अभी भी आपकी ड्रेन्स जो देखेंगे पूरी ये मलबे से भरी हुई हैं, दोनों तरफ की बात कर लें, और अब तो क्योंकि थोड़ा गाड़ियां चलने से ये जगह थोड़ी बैठ गई हुई है, लेकिन अमूमन इतना मलबा यहाँ पर रहता है और रात के समय यहाँ से कई लोग जो हैं गुजरते हुए यहाँ से स्लिप भी हो जाते हैं, चोटें भी लगती हैं, और जाने के लिए यही रास्ता है क्योंकि आज मेन रोड में बहुत ज़्यादा रश है, कुछ लोग आ भी रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये स्ट्रेच जो है ये बहुत देर से ख़राब है, तो आप लोग भी यहीं से गुजरते हैं? स्कूटी वहाँ लगाई हुई है, पैदल आ रहे, पैदल भी गिरता आ रहा है आदमी, स्कूटी निकल तो जाती है लेकिन लाने में थोड़ा सा पीछे कोई बिठाया, हम जब भी जहाँ से जाते हैं कहीं नीचे गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है हमें, गाड़ी लगे इधर से ना इतने एक्सीडेंट हो चुके हैं कोई हिसाब नहीं है, हमें खुद उठा के लेके जाते हैं हम। थोड़ी बारिश आ गई है, थोड़ी पानी बाहर रोड पे होगा, बंद है ना सारा, है नहीं कुछ सर, इतना पानी जब बरसात आती है ना, इतना पानी जाता है तो कोई हिसाब नहीं है, वो ज्यादा स्कूटी बाहर लगी होगी वो ले जाएंगे, वो इतना ज्यादा वो सर
सर हम एकजुट जम्मू की तरफ से हैं, हम मुआयना करने आए थे, जैसे आ रहे थे हम रास्ते में आपका इतवा के आप हमें मिल गए हो यहाँ पे, तो अच्छी बात है आप कवर करने आए हो, ये बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू सर। ये मुश्किलात हैं और ये पूरा ये पैच है, ये पिछली बार भी नहीं बना था और इस बार अभी तक भी ये नहीं बना है, हालांकि हमने एसी को थोड़ा देखना है, थोड़ी ये सड़क है ये थोड़ी सी खराब है, बाकी तो सारे काम होते रहते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। तो बाकी है कि यहाँ से लेके जो चीज़ है ना वो जल्दी खराब हो जाती है, और मतलब कि पूरा मटेरियल सही नहीं डालते, इसका ऑप्शन यही है ना, या तो टाइल दूसरी लगा दें। हाँ, बस हम यही सोचते हैं कि टाइल लगा दें या तो मटेरियल अच्छा डालें, बस इसलिए हमारी यही विनती है कि मटेरियल अच्छा होना चाहिए। श्रीवंश को मतलब इस कंप्लेंट के बारे में बोला गया कि टाइल ही डलवा दो अगर नहीं सड़क, हमने बोला कहते टाइल डल नहीं सकती है, टाइल डल वो कहते वही मटेरियल डलेगा, वही मटेरियल डलेगा, तो बाकी ब्लैक टॉपिंग करेंगे तो बरसात आएगी फिर वो खराब हो जाएगा, हम तो ये सोचते हैं कि वो टाइल पड़ जाए। हाँ हम कहते हैं टाइल पड़ जाए, यहाँ टाइल डलेगी वही टिक पाएगी। हाँ वो ही होगा, सही बात है, सड़क तो नहीं रो वो बह पाएगी। मेरे ख्याल बरसातों में पानी भी बहुत आता है, ज्यादा बहुत ज्यादा, तो पैदल चला जाता दिन को, लोग गिरते हैं रात को क्या। म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन को 3 साल भी निकल गए हैं, अब 2 साल पीछे रह गए, तो अभी नहीं काम होगा, नहीं ठीक बनी ना रोड, उसी वक्त रुक गई थी। मैडम ठीक है, ऐसी बात नहीं है, काम आप लोगों का कंसर्न नहीं काम, लेकिन ये प्रॉब्लम को लेकर बड़े लोगों को परेशानी बनी, इसकी प्रॉब्लम परमानेंट है, मतलब पूछना चाहिए था ना कि क्या सलूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि आप लोग भाई ये जगह अच्छी नहीं है, जगह टिकते नहीं है, मटेरियल जो मटेरियल डालते हैं वो अच्छा नहीं है, सीढ़ियां तो बना नहीं सकते, रहेगी तो सड़क ही, तो उसका ऑप्शन ये टाइल पड़े बजरी जहाँ पड़े और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भाई इधर पानी बरसता है तो बारिश जैसे होती है वैसे ये बह जाता है रास्ता, यहाँ पे कोशिश तो यही करो निकलने का, यही रास्ता, यही सब यही रास्ता है, स्कूटी वाले आते तो कहीं फिसलते हैं, कहीं कुछ होते वो गिरते हैं, फिर उनको चोट आती है घनी, लड़कियां गिर जाती। आप क्या खुद क्या करते हैं? सर मैं मिस्त्री हूँ। आप मिस्त्री का काम करते हैं, इसका क्या होना चाहिए, इसका जुगाड़ सोल्यूशन क्या होना चाहिए, मतलब टाइल शैल पड़ जाए अच्छा बन जाए, ये ना ठीक तरीका से, इधर ना कोई गवर्नमेंट सुनती ना कोई सुनता, ऐसे काफी लंबे वक्त से खराब है, और यही कह रहे हैं कि इस पे आप ब्लॉक्स जो हैं वो डाल दें, टाइल वर्क कर दें, ताकि ये जगह जो है वो बची रहे। अब क्या और वक्त लगेगा या कितना वक्त लगता है, कब तक इनके ग्रीवांस को जो है वो सुना जाता है, देखा जाता है, उस पे काम किया जाता है, ये देखना लाजमी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, वार्ड 37 जानीपुर जम्मू।